कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में दहशत का माहौल है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एधनोम गेब्रेयेसस ने दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के असर को लेकर कुछ आंकड़े साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में अब तक कोविड 19 के जितने मामले सामने आए हैं उनमें 20 साल से कम उम्र वाले मरीजों की संख्या 10% से भी कम है। इस उम्र वाले सिर्फ 0.2% लोगों की मौत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस गंभीर बीमारी से बच्चों और किशोरों की मौत को लेकर अभी और अधिक शोध किए जाने की जरूरत है। WHO प्रमुख ने मंगलवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया, हमें पता है कि यह वायरस बच्चों की जान ले सकता है, लेकिन उनमें इसका मामूली संक्रमण पाया गया है। साथ ही गंभीर संक्रमण और कोविड 19 से बच्चों व किशोरों की मौत के भी कुछ मामले सामने आए हैं। बता दें कि संक्रमित बच्चों और किशोरों की सेहत पर कोविड 19 के लंबे असर के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। बच्चों की सेहत पर बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस का गंभीर असर देखने को नहीं मिला है। बावजूद इसके बच्चे इस महामारी के चलते दूसरी वजहों से काफी प्रभावित हुए हैं। टेड्रोस ने बताया कि कई देशों में संक्रमण की वजह से आवश्यक पोषण और टीकाकरण सेवाएं बाधित हो गई हैं। साथ ही लाखों बच्चे कई महीनों से स्कूल नहीं जा सके हैं। उन्होंने कहा कि करीब 16 करोड़ स्कूली बच्चे इन दिनों घर पर हैं। हालांकि ये सुकून की बात है कि दूर दराज में रहने वाले लाखों बच्चे टीवी, इंटरनेट या ऐसे ही दूसरे किसी माध्यम के जरिए शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं। बता दें कोरोना के कहर के बीच अनलॉक के माध्यम से देश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कोशिशें चल रही हैं। धीरे धीरे सभी सुविधाएं बहाल की जा रही हैं। इस बीच मेट्रो सेवा भी शुरू कर दी गई है। अब हर किसी के मन में स्कूल को खोले जाने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि अनलॉक के चौथे चरण में केंद्र सरकार महामारी की वजह से 6 महीने से बंद स्कूल कॉलेजेस को खोलने को लेकर बड़ा फैसला करेगी। हालांकि सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार 21 सितंबर से सिर्फ 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स ही अपने माता पिता से लिखित सहमति मिलने के बाद ही स्कूल जा पाएंगे। ऐसे में कई राज्य सरकारें अपने यहाँ स्कूल खोल सकती हैं। बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 90,123 नए मामले सामने आए हैं और 1,290 लोगों की जान चली गई है। देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 50,20,000 हो गई है। इनमें से 82,066 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या 9,95,000 है और 39,42,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पैच और 39,42,000 लोग ठीक हो चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।